हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। कल के क्वेश्चन पर बहुत से लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आपको न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी बातें हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। एपिसोड के स्टार्ट में तेन थोर के रूम आता है और जब वह थोर को गहरी नींद में देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जाकर ड्रॉर में डायरी निकालता है। और जैसे ही वह डायरी बाहर निकालता है तभी लव का लॉकेट नीचे गिर जाता है। तेन उस लॉकेट को उठाने जाता है तो वह खुद ही नीचे गिर जाता है और तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई फ़ोटो पर जाती है। और जब फोटो को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये सच कैसे हो सकता है। और फिर वह उसे अपनी पॉकेट में डालकर व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश करता है और तभी रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है और थेप और थार रूम के अंदर आते हैं। तो थेन उनको देखकर कहता है मैं अपने चेयर पर नहीं बैठ पा रहा और थोर भी सो रहा है, तो क्या तुम लोग प्लीज़ मेरी मदद कर दोगे। और तभी थोर भी उठकर बैठ जाता है। उसे देखकर थेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है क्या तुम नहीं सो रहे थे। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। थोर को पहले से थेन पर सत्ता, तो वह थेप और थार को बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स दिखाते हुए कहता है ये मैंने इमरजेंसी केस के लिए रखी थी। वो तीनों सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जब तीनों हंस रहे थे तब उन्होंने वही बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स ली थी, इसी वजह से वो तीनों बेहोश नहीं होते। यह सब सुनकर थेन कहता है तुम लोग बहुत ज़्यादा चालाक हो। थार थेन से पूछता है आखिरकार तुम हो कौन, तो थेन कहता है मैं इस फैमिली का हायर हूँ। तो यह सुनकर थार थेन को किक कर देता है और तभी थेन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो यह सब देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। देव कहता है इसका मतलब तुम डिसेबल नहीं हो। थोर थेन से कहता है टेस्ट मैन कहाँ पर है। तो इस पर थेन कहता है ये सब तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुमने टेस्ट मैन को कहाँ पर छुपाया है। तो थेन से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। थेन थेप और थार से कहता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि रियल टेस्ट पेन कहाँ पर है जबकि मैं तो खुद उसे ढूंढने आया हूँ ताकि मैं पता लगा सकूँ इस घर का असली हायर कौन है ताकि मैं उसे मार सकूँ। यह सुनकर थेप कहता है क्या असली हायर। थेन कहता है हाँ, और इस घर का असली हायर तो मैं ही बनूंगा। थार कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। थेन कहता है अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम पीथोर से पूछ सकते हो। और फिर वह पीथोर से कहता है क्यों, क्या मैं सच कह रहा हूँ ना, बताओ रियल टेस्ट पेन कहाँ है। क्योंकि पीथोर इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसे ये भी पता है इस घर का असली हायर है कौन। तो थार थोर से पूछता है क्या ये सच कह रहा है। थोर हाँ कहता है। और तभी थेन कहता है तुम सभी के सभी बेवकूफ़ हो क्योंकि इस घर का असली हायर तो मैं ही हूँ। और यह कहकर वह एक फ़ोटो फ्रेम दिखाता है और वह अंकल थ्रेड की फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहता है ये मेरे फादर है और तुम लोग तो इस घर के बेटे भी नहीं हो, इसलिए हायर तो मैं ही बनूँगा। थार थोर से पूछता है क्या ये सच कह रहा है। थोर हाँ कहता है। थियन थोर से कहता है तो अब मुझे टेस्ट पेन दे दो ताकि मैं असली हायर को मार सकूँ। और यह कहकर वह लव का लॉकेट दिखाता है। थार लव के लॉकेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह लव के रूम की तरफ दौड़ता है। थेन भी उस तरफ जाने लगता है तभी थोर उसे पंच करके बेहोश कर देता है। और जब थार लव के रूम आता है और वहाँ पर लव मिल नहीं मिलता तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। थेप एक मशीन देते हुए थार से कहता है इससे तुम लव का पता लगा सकते हो। दूसरी तरफ हमें लव को दिखाया जाता है जिसे किडनैप करके एक फैक्ट्री में लाया जाता है। अंकल थ्रेड वहाँ पर आते हैं और वह अपने गार्ड से कहते हैं कि तुम बाहर नज़र रखो। और वह दूसरे से कहते हैं मैं आज रात सारी प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ तो फिर तुम उन सबको गायब कर देना। और फिर यह कहकर वह लव को जगाने लगते हैं लेकिन लव नहीं उठता। तो फिर अंकल थ्रेड एक तिनका लेते हैं और उससे लव को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन लव फिर भी नहीं उठता। तो फिर वह चेन चेन अंकल थ्रेड का ही साथी था, उससे कहते हैं ये तो काम ही नहीं कर रहा, तुम कोशिश करके देखो। तो चेन लव के पास लाकर बेल बजाता है और बेल की आवाज़ सुनकर लव उठ जाता है। और जब वह चेन को वहाँ पर देखता है तो वह चेन से कहता है नर्स चेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी लव की नज़र अंकल थ्रेड पर जाती है तो वह अंकल थ्रेड से कहता है तुम कौन हो। थ्रेड कहता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, क्या तुम मुझे भूल चुके हो। लव फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता
तो थ्रेड लव के चेहरे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या अब मैं तुम्हें याद हूँ? और फिर चेन लव को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें लव की मॉम की फ़ोटो थी। लव अपनी मॉम की फ़ोटो को देख कर कहता है, मॉम इस फ़ोटो में क्या कर रही है और मॉम इन सब के साथ क्यों रह रही है? तो अंकल थ्रेड कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पिता है। यह सुनकर लव काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और अंकल थ्रेड बताते हैं कि तुम ही इस फैमिली के असली हायर हो। यह सब सुनकर लव और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी डोर पर किसी की नोक होती है। तो थ्रेड चेन से कहते हैं कि तुम जाकर देखो। चेन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है डोर के पीछे कोई और नहीं बल्कि बटनर सिंह और बटलर सरोन थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। और तभी वहाँ पर चेन आ जाता है, पवन से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उसको इतना मारते हैं कि वो तो घबरा कर वहाँ से निकल ही जाता है। सरोन चेन के पीछे चला जाता है और बटलर सिंह लव को बचाने के लिए अंदर आ जाता है। वह अंकल थ्रेड पर गन पॉइंट करता है और उससे कहता है, अपने हाथ ऊपर करो और मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करना। लेकिन अंकल थ्रेड काफ़ी ज़्यादा चालाक थे और वह धोखे से सिंह को मार मार के उसे घायल करते थे। और तभी थार एकदम हीरो की तरह एंट्री लेता है जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था और वह थ्रेड से कहता है, लव को यहाँ से जाने दो। थ्रेड थार पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, उसे जाने दो, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। और यह कहकर थ्रेड थार पर गन शूट करता है लेकिन थार बच जाता है और वह थ्रेड से फाइट करने लगता है और उसे मार मार कर घायल कर देता है। और जब वह लव के पास उसे अनटाई करने के लिए जाता है तभी थ्रेड का साथी आकर थार पर गन पॉइंट कर लेता है और सिन भी थ्रेड को पकड़ लेता है। थ्रेड थार से कहता है, मुझे छोड़ दो वरना मेरी टीम लव को मार डालेगी। तो यह सुनकर थार लव को बचाने के लिए नी डाउन हो जाता है और फिर वह थ्रेड से कहता है, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम सब कुछ ले सकते हो। थ्रेड यह सुनकर कहता है, ये सब तुम कह रहे हो जबकि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि इस फैमिली का असली खैर तो लव है। तो यह सुनकर थ्रेड कहता है, प्लीज़ अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लव को यहाँ से जाने दो। लव थ्रेड से कहता है, प्लीज़ हमें जाने दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। थ्रेड कहता है, तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही बातें कर रही थी। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, थ्रेड अपनी भाभी को अपने भाई के पास लेकर आता है और उन पर गन पॉइंट करके कहता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगा। तो यह सुनकर लव की मॉम लव के डैड से कहती है, प्लीज़ आप साइन मत कीजिएगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप किसी भी साइन नहीं करेंगे। और फिर मॉम थ्रेड से कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, मैं यहाँ किसी के भी नज़रों में नहीं आऊँगी। थ्रेड ने लव के डैड को पॉइजन दे दिया था तो वह ऐसा होकर बस अपनी वाइफ की तरफ देखने लगते हैं और तभी वहाँ पर थोड़ आ जाता है। थोड़ को देख कर मॉम वहाँ से भाग जाती है तो थोड़ भी अपने मॉम के पीछे पीछे चला जाता है। थ्रेड अपने भाई से कहता है, तुम साइन कर दो वरना तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी मारे जाएंगे। और यह कहकर वह भी उनके पीछे चला जाता है तो फिर डैड उन पर साइन कर देते हैं और फिर थ्रेड अपनी चाल चलता है और वह थोड़ से कहता है, तुम्हारी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है तो अब से तुम लोगों का ध्यान मैं ही रखूँगा। लव के डैड की पॉइजन की वजह से डेथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। और जब थ्रेड प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखता है तो उनमें डैड ने लिखा था, टेस्टमेंट मेरी चेस्ट में है पागल। तो यह सब देखकर थ्रेड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। यह सब सुनकर थर्ड काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है और फिर वह उन लोगों से फाइट करने लगता है। वह कार्ड को बेहोश कर देता है और तभी थ्रेड थर्ड से लड़ने के लिए आ जाता है तो थर्ड थ्रेड से काफ़ी अच्छी फाइटिंग करता है और उसे मार मार कर उसे भी बेहोश कर देता है। और फिर वह लव के पास उसे खोने के लिए आता है लेकिन उससे तो गांठ खुली नहीं रही थी तो वह लव से कहता है, मैं इसे अनटाई नहीं कर सकता। यह सुनकर लव काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और फिर वह थार से कहता है, लेकिन तुम क्यों नहीं कर सकते? थार कहता है, बस मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता। तो लव कहता है, तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? थार कहता है, तुम उठो। लव कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं कैसे उठ सकता हूँ? थार कहता है, तुम उठो। और जब लव उठता है तो वह उठ जाता है और फिर थार कहता है, पहले हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए
और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन थोर लव को उसका किचन लॉकेट फिर से लौटा देता है। फिर थेप लव को डायरी देते हैं और जब लव उस डायरी को खोल कर देखता है तो उसमें उसी का स्केच बना हुआ था। उस स्केच को देखकर लव कहता है, इसमें मेरा स्केच क्यों बना हुआ है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। लव की मॉम फॉर्चून टेलर के पास जाती है क्योंकि उनके साथी को काफ़ी वक्त हो चुका था लेकिन फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। तो वह फॉर्चून टेलर से कहती है, मुझे तो डर है कि मैं बिना बच्चों के ही मर जाऊँगी। तो फॉर्चून टेलर एक कार्ड दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारा बच्चा है। तो यह सुनकर मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर फॉर्चून टेलर एक कार्ड दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारी फैमिली का असली हायर होगा जिसके पास मेरा ट्रीजर होगा। तो यह सब सुनकर लव उस लॉकेट को देखते हुए कहता है, इसका मतलब मैं इस घर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो वो लोग हाँ कहते हैं। यह सुनकर लव थार की तरफ देखते हैं और थार बस लव की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर लव उनसे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तो थार लव से कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो। लव कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। थार कहता है, लेकिन ये भी तो तुम्हारा ही घर है। लव कहता है, यह सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसीलिए मैं बस घर जाना चाहता हूँ। और यह कहकर लव वहाँ से चला जाता है। थार लव के पीछे जाना चाहता था लेकिन थोड़ा उसे रोक देते हैं। और फिर हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। लव इनके साथ उसके वेजिटेबल सोप पर था और वह बस अपने आईफोन की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी अंकल वान लव से कहते हैं, हे तुम क्या देख रहे हो। लव कहता है, ये आईफोन है, ये मुझे थार ने दिया था। तो अंकल कहते हैं, मुझे तो लगा कि ये कैलकुलेटर है। और फिर अंकल वान लव से वो फ़ोन मांगते हुए कहता है, लव मुझे दो, मुझे भी देखने दो। और तभी वान पूरी मार्केट में हल्ला करते हुए उनके पास आ जाता है। तो वान माम से कहते हैं, तुम शांति से नहीं आ सकते। तो इस पर माम कहता है, मैं और शांति से ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर माम उन लोगों को ग्रीट करने लगता है और जब वह लव की तरफ बढ़ता है तो वह उसे मिस्टर करके ग्रीट करता है। यह सुनकर लव बस माम की तरफ ही देखने लग जाता है। तो माम कहता है, हे तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। और फिर माम लव का इंटरव्यू लेने लगता है और उससे कहता है, मिस्टर आप अपने असली घर में क्यों नहीं रहते, और मैं सभी पे को यहाँ पर बता दूंगा कि तुम मेरे फ्रेंड हो। माम की ये सब बातें सुनकर लव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अंकल वान माम को वहाँ से लेकर चले ही जाते हैं। इन फिर लव से पूछता है, हे तुम ठीक तो हो ना। लव कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, जब भी तुम मेरे साथ होते हो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम भी खुश हो। लव इनसे कहता है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इन खुश हो जाता है और तभी उनको एक पर्सन आवाज़ देते हुए कहता है, मुझे एक दर्जन लेमस चाहिए। तो लव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें इतने सारे क्यों चाहिए। और जब वह सामने थार को देखता है तो लव कहता है, मिस्टर आप यहाँ पर। थार लव को कपड़े देते हुए कहता है, इसमें तुम्हारे कपड़े और तुम अब हमारे साथ हमारे घर रहने के लिए चल रहे हो। लव कहता है, नहीं मैं उस घर नहीं जा सकता। लव को इसे देखकर इन थार के पास जाता है और उससे कहता है, तुम वापस चले जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। थार इनसे कहता है, तुम इस सब से दूर रहो। और फिर वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी लव उन दोनों को रोकते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया। थार के इनके शर्ट खींचने की वजह से उसके हाथ का स्कार दिखने लगता है। और तभी थार को याद आता है, बचपन में जिस बच्चे ने उसकी मदद की थी वह कोई और नहीं वह इन्हीं था। ये सब देखकर थार काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर वह इनसे सॉरी कहता है। इनको तो यह सुनकर काफ़ी झटका लगता है और वह थार से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी लव उन दोनों से कहता है, बस अब बहुत हो गया। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। थार लव के पीछे पीछे जाता है और उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, तुम हमारे साथ चलोगे। लव कहता है, छोड़ो मुझे। थार कहता है, प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो। लव कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ जाकर उस विरासत को अकेले संभालूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोग मुझसे पहले से वहाँ पर रहे हो। थार लव के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, ऐसा नहीं है। जब लव देखता है कि थार ने उसके हाथों को पकड़ रखा है तो वह थार से कहता है, प्लीज़ ये सब मेरे साथ ऐसा मत करो क्योंकि अब
हम दोनों भाई है। थर्ड लव से कहता है, तुम प्लीज़ मेरे साथ एक बार घर तो चलो, तब जाकर तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। यह सुनकर लव कहता है, सच? कैसा सच? क्या अब भी कोई सच कहना बाकी रह गया है? थर्ड लव से कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना वो घर घर लगता ही नहीं है। लव यह सुनकर थर्ड से कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? थर्ड कहता है, ये सब बताने के लिए टाइम नहीं है। और यह कहकर थर्ड लव को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और फिर उसे मेंशन लेकर आ जाता है। लेकिन लव उनसे कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं अभी घर जा रहा हूँ। और यह कहकर लव वहाँ से जाने लगता है। तभी थेब उठकर लव से कहता है, हे तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम इन लोग को अनलोक करके अपने सच्चे प्यार को नहीं ढूंढना चाहते? तो यह सुनकर लव कहता है, तुम लोगों को इस बारे में कैसे बताऊँ? और फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फॉर्चून टेलर मॉम को बताती है कि वो 3 बच्चों को अडॉप्ट करने वाली है। यह सुनकर मॉम तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। और फिर फॉर्चून टेलर मॉम को बताती है, तुम्हारा हायर मारा जाएगा। यह सुनकर मॉम तो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाती है। फिर फॉर्चून टेलर मॉम को 3 लोक वाली लॉकेट देती है और कहती है, ये तुम्हारे फैमिली को बनाए रखेंगे और जितनी भी बाधाएं आएंगी उनको दूर भी कर देंगे। लेकिन तुम्हें सब कुछ इतना फ्री में नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तो मॉम ओके कहती है। तो यह सब सुनकर लव काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह सभी के लॉकेट अनलॉक करने के लिए उनके पास जाता है। वह जब दौड़ के पास जाता है तो उसका लॉकेट अनलॉक नहीं होता, तो वह थार्ड की तरफ जाने लगता है। तभी थेब कहता है, क्या तुम पहले मेरा लॉकेट अनलॉक नहीं करोगे? तो फिर लव थेब का लॉकेट अनलॉक करने लगता है, लेकिन उसका लॉकेट भी अनलॉक नहीं होता। तो फिर वह आखिरकार थार्ड की तरफ जाता है। थार्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और लव भी खुश हो रहा था, क्योंकि आखिरी लॉकेट तो अब थर्ड का ही बचा था। तो उसे लग रहा था कि थर्ड ही उसका सोलमेट बनेगा। लेकिन जब वह थर्ड के लॉकेट को अनलॉक करता है तो वह लॉकेट तो अनलॉक होता ही नहीं। तो थर्ड भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वह खुद ही अनलॉक करने लगता है। लेकिन जब वह अनलॉक नहीं होता तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लव कहता है कि मैंने सभी के लॉकेट ट्राई किए, लेकिन किसी का भी अनलॉक क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार ये चाबी है किस चीज़ की? तभी वहाँ पर इनाते भी कहता है, क्या तुमने सभी को अनलॉक करके देखा? और तभी अंकल फान एक बॉक्स लेकर आते हैं। माम लव से कहता है, ये शायद इस बॉक्स की चाबी हो सकती है। और फिर अंकल फान उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से एक और बॉक्स निकलता है। थोड़ लव से कहता है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो मैं फिर से जाकर अपनी ज्वेलरीज बेचता हूँ। और यह कहकर थोड़ वहाँ से चला जाता है। और जब लव उस बॉक्स को अनलॉक करता है तो उसमें कुछ ज्वेलरीज थी और उसके साथ एक लेटर रखा हुआ था। और जब लव उस लेटर को रीड करता है तो वह उसकी मॉम का लेटर था। मॉम ने लिखा था, जब तुम इस लेटर को रीड कर रहे होंगे तो शायद मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, लेकिन बस मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं किसी को भी कम नहीं समझती, इसलिए तुम सभी एक दूसरे का ध्यान रखना। और मैं बस तुम लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, मैंने अभी तक फॉर्चून टेलर को पे नहीं किया है, तो प्लीज़ तुम अपनी माँ के लिए उसे पे कर देना। यह सब सुनकर सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं और लव बेचारा वहाँ पर अकेला ही रह जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लव मेंशन से बाहर निकलता है और वह बाहर निकल कर काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी वह पैर फिसलने की वजह से गिरने लगता है। और जब थार देखता है तो वह लव को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। लव जब थार को अपने नज़दीक देखता है तो वह लव थार से कहता है, प्लीज़ ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, क्योंकि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता। यह सुनकर थार काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लव कहता है, क्योंकि शायद तुम मेरे सोलमेट नहीं हो। तो यह सुनकर थार लव के लॉकेट को लेता है और उससे कहता है, अगर इस चाबी ने मेरे लॉक को अनलॉक कर दिया तब तो मैं तुम्हारा सोलमेट बन जाऊँगा ना? लव हाँ कहता है। तो फिर थर्ड उस की को किस करता है और जब फिर वह अपने लॉकेट को अनलॉक करता है तो वह लॉकेट अनलॉक हो जाता है। थर्ड लव जी कहता है, देखा हम लोग सोलमेट हैं। यह देखकर लव भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और फिर थर्ड लव को किस कर लेता है।
दूसरी तरफ हमें थियन को दिखाया जाता है जिसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था और वह उन लोगों से कह रहा था, क्या तुम लोग मेरे बारे में भूल चुके हो। फिर हमें फॉर्चून टेलर को दिखाया जाता है जो फिर से किसी पर्सन को वही की वाला लॉकेट देती है और यहीं पे ये एपिसोड और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। गाइस, ये सीरीज 10 एपिसोड की थी लेकिन आई थिंक ये सीरीज इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, इसलिए मेकर्स ने बस इसे 6 एपिसोड का बनाकर छोड़ दिया। और गाइस, मैं अपने न्यू चैनल पर लवली राइटर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रही थी क्योंकि वह मेरा सेकेंड पीएल ड्रामा था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और बाकी सब आप पोल में अपना वोट देखकर बता सकते हैं कि आपको पहले किस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन चाहिए। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे न्यू चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।